गुड मॉर्निंग. आज हम कर रहे हैं आई ईट ओनली ग्रीन फूड चैलेंज फॉर लेजिट गोपाल साइड 24 आवर्स. तो आई हैव एक्चुअली बीन अवेक फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मुझे बहुत भूख लग रही थी बट आई डिड नॉट ईट एनी थिंग क्योंकि मुझे चैलेंज कायम रखना है. लेट्स गो एंड हैव द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव बीन हैविंग सिंस द पास्ट आई थिंक अ मंथ. आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट वी स्टार्ट अ चैलेंज. दिस इज लाइक एन इम्यूनिटी जूस मिक्स. इट्स बाय कपीवा. इसमें देर इज गिलोय, आमला, अश्वगंधा एंड एन लॉट मोर अदर हर्ब्स. इफ डू एनीथिंग लाइक मी, मेकिंग अ काढ़ा इज जस्ट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट बेसिकली एंड आई एम नॉट द मोस्ट एक्टिव पर्सन इन डूइंग ऑल दिस. आई एम प्रिटी लेजी. सो दिस इज लाइक अ होल रेडीमेड फिक्स. सो आई शो यू हाउ आई टेक इट. आई टेक 30 ml ऑफ दिस, 100 ml ऑफ वाटर, रफली 3.5 ढकनी. तो इसमें जो एक्स्ट्रा होता है ना वो भी आ जाता है इसमें. एंड देन जस्ट स्टर इट. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट ट्राई इट आई विल बी लिंकिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वी डू हैव अ कूपन कोड. कपीवा हैज वेरी काइंडली गिवन अ कूपन कोड तो यू कैन यूज इट टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट. यू विल टेक टाइम टू एडजस्ट विद द टेस्ट. इट्स नॉट समथिंग जो एक झटके में पसंद आएगा. मेरे को एक हफ्ता लगा था बट नाउ आई लाइक द टेस्ट ऑफ इट इन द मॉर्निंग. थोड़ा सा खट्टा टेस्ट है विच इज अ वेरी रिफ्रेशिंग टेस्ट इन द मॉर्निंग. लाइक इट कैन वेक यू अप विदाउट लाइक द कैफीन पार्ट. डन. नाउ आई एम गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट एंड आई थिंक यू नो व्हाट आई हैव फॉर ब्रेकफास्ट. इवन इन द ग्रीन फूड चैलेंज आई हैव मैनेज्ड टू फिट उपमा फॉर ब्रेकफास्ट. सो आई विल शो यू हाउ वी आर गोइंग टू हैव ग्रीन उपमा टुडे. डू इट डू इट डू इट. Wow, that's great upma. And two kiwis and garnishing ke liye spring onion. This has been done by this gorgeous, gorgeous woman. Thanks. Aapke bina hamara channel chalta hi nahi. Look at this breakfast. Kya sundar hai. There's a lot of green sabzi lying in the house today kyunki pura din ye khana hai. Well, let us take this to the breakfast table. So how she made green upma was she put I think kothmari ka puree. Kothmari ka English mein guru jo hai? Coriander puree. Coriander. So mom said it's just a normal upma and usme coriander ka puree dala. Coriander matlab kothmari. Kothmari ke hindi mein guru jo hai? धनिया, धनिया का प्यूरी एंड आई एम एक्साइटेड टू ट्राई इट. मुझे उपमा बहुत पसंद है. फोन बज रहा है. लेट्स ट्राई फर्स्ट. टेन आउट ऑफ टेन. इट्स सो गुड. दिल आ गया. दिल अच्छे नोट पे शुरू हो गए. अलॉन्ग विद उपमा आई एम गोइंग टू हैव वन कीवी. यूजली मैं ब्रेकफास्ट में इतना ही खाती हूँ एंड सम ड्राई फ्रूट्स आई हैव बट अभी आज के चैलेंज में तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाएंगे बट इट्स ओके. एक दिन नहीं खाएंगे तो चल जाएगा. आफ्टर फिनिशिंग दिस नाउ आई विल मीट यू एट लंच टाइम. 6 hours later. आई एम गोइंग मैड. टुडे इज द फर्स्ट डे आउट ऑफ द पास्ट 2 weeks जब मेरी डाइट की इतनी वाट लग गई है. सी द टाइम 3:59 PM एंड मैंने अभी तक लंच नहीं किया. दैट्स हाउ क्रेजी वर्क इज गोइंग. आई हैव बीन टू 3 मल्टीपल बैंक्स. आई एम हैविंग सम इशूज विथ लाइक फिक्सिंग ऑल माई अकाउंटिंग थिंग्स. आई एम नॉट रेडी फॉर अडल्टिंग. दैट्स सो मच वर्क. एंड नाउ सम पार्सल हैज कम नीचे जो मैंने COD पे मंगाया था बिकॉज आई वाज ट्राइंग द वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो नाउ आई हैव टू गो डाउन. आई हैव टू क्लीन ऑल दिस मेस. I'll see you for lunch. I don't know at what time though. Finally at 4:30 we're having lunch. But ये plate देख के तो I think it was worth the wait of not eating kachra until then. You have to check this out. This is our lunch. It looks so good. This is green pulao. ये ऐसा नहीं कि challenge के लिए green बनाया. ये सालों से हमारे घर पर बनता हुआ आ रहा है. दादी की बड़ी फेवरेट रेसिपी है ये. This is green raita and this is मूंग दाल के चिल्ले जो एकदम गर्म गर्म है. ग्रीन रायते में कुरो हो जाएंगे. तो इन द रायता कुकुम्बर है और कोथमीर का पेस्ट है. धनिया का पेस्ट है. ये धनिया है ऊपर. This raita. I love this raita.
नाउ टाइम फॉर गरम 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 रोटी भी हो ना तो भी दो रोटी के बदले मैं एटलीस्ट 6 रोटी खा जाती हूँ जस्ट बिकॉज इट्स हॉट टेस्टी और मुझे कड़क उत्तप्पा और कड़क डोसा पसंद है. हाउ डू यू लाइक इट? डू यू लाइक इट सॉफ्ट और डू यू लाइक इट कड़क? बिकॉज आई नो सबका अपना प्रेफरेंस रहता है. चावल तो चक्के पता ही नहीं. ऑल्दो आई नो दे गोना बी गुड यार. स्पाइसी नहीं है. शुड बी फ्राई सम ग्रीन चिलीज. पूरा मैं एकदम एक्साइटेड हो गई सुन के. लंच करके इतना अच्छा लगा. माई फोन इज डेड तो मेरे को पता नहीं कि टाइम क्या है. बट आई फेल अस्लीप. आई एम दैट टायर्ड. आई थिंक इट्स बिकॉज बराबर से खाना खाया नहीं ना टाइम पे. इट्स नाइस. दैट शुड हेल्प अस लाइक कॉन्स्टेंटली गिव द एनर्जी टू पंप थ्रू द रेस्ट ऑफ द डे. Can you believe this is back? These are green momos जो मम्मी ने बनाए. ऐसे कुछ special recipe नहीं सर्च किया है. She's done it based on her creativity only. तो मोमो का बाहर का भी green है और अंदर का भी filling green है. Yes, there's French bean and vegetables का filling अंदर but mostly French bean का मात्रा ज़्यादा है तो the filling is also green only. Yeah, good. It's salt, thoda zyada hai. But it's overall so tasty, yaar. Hats off, hats off. Dinner ban raha hai spinach spaghetti, jo bahut hi fan favorite hai. Matlab jitne bhi people I know in my life, they all love. Kya aaj na zyada logo ke liye bani hai. Mujhe jaake home delivery bhi karni hai. Yes, that's palak puree. अब इसमें जाएगी ये उबलती हुई स्पेगेटी एंड इट्स रेडी. हिमानी विल रिमेंबर हाउ वी यूज टू हॉग ऑन द स्पेगेटी इवन बिटवीन लेक्चर्स इन कॉलेज. सो दैट्स माय डिनर एंड आई विल सी यू फॉर डेजर्ट. आई हैव बीन वेटिंग फॉर डेजर्ट द होल डे. ओके सो आई एम बैक. विश आई कुड शो यू अ वे बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ दैट स्पेगेटी क्योंकि वो इतनी अमेजिंग टेस्ट करती है ना यार. दैट्स व्हाई आई शोड यू द रेसिपी की इट्स एज सिंपल एज जस्ट एडिंग थोड़ी सी बॉल की हुई स्पिनच को पेस्ट में बना दो और व्हाइट सॉस जो नॉर्मल व्हाइट सॉस बना दो पास्ते में उसमें डाल दो एंड इट इज हेवीली. नाउ आई एम गोना कॉल इट अ डे अर्ली. योर गर्ल हैज बीन वेकिंग अप अर्ली कंसिस्टेंटली. कैन यू फ्रिकिंग बिलीव इट? सो जस्ट बिफोर स्लीपिंग गोना हैव माय जूस अगेन. सो आई टेल यू अ बिट मोर अबाउट इट. देयर इज अ स्पाइडर ऑन माय बेड. It's not as small jitna dikh raha hai. Wow. Long story short, I saw a spider, I got scared, I dropped the juice, I got frustrated because I dropped my favorite juice and then I had to go get tissues and I had to get cotton and I had to clean it and now I'm back. इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी बट बस जब इरिटेट हो जाता है ना तब छोटी बात भी बड़ी लगती है. सो द बेसिक आइडिया ऑफ द जूस इज टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड टू कीप इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज एंड ऑल ऑफ दैट अवे. लाइक द एक्सप्लेन टू मी द इम्पोर्टेंस बिहाइंड ईच हर्ब. तो इसमें आंवला है विच इज लाइक अ पावर हाउस ऑफ विटामिन सी. जब भी ये सब शुरू हुआ था तभी सब्जी वाले के पास आंवला महीनों तक नहीं आए थे. फिर तुलसी तो अपने को पता ही है इट हेल्प्स फाइटिंग वायरल अटैक्स इन जनरल. लाइक अपन पत्ते भी खाते ही है. हल्दी काफी सारे बेसिकली टर्मरिक तो इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. अगेन समथिंग दैट आर दादी नानी and moms have told us all the time. And ashwagandha mule tea, they're known for immunity as well. Every herb that's in there, it's meant for a purpose. I wanted to see ki isme koi bhi artificial flavor nahi hai, color nahi hai, sugar nahi hai. You can also eyeball the water sometimes. If you don't like it that strong, just add little bit of extra water. If you like it strong, add less water. Totally depends on you. What matters is having that amount of juice in your body. Virtual cheers. The whole 1 liter bottle retails for 450 rupees. And also two more things that I ate through the day which I forgot to show क्योंकि I was so much in the moment enjoying the day कि मैं vlog करना भूल गई. But let me change the background because my bed is messy and the last time I shot a video messy bed के आगे mom ने मेरे को बहुत डांट लगाई थी कि internet पे तो लाज रख ले. अगर तू इतना messy रखती है तो please vlog मत कर. I'll change the background. तो आफ्टर डिनर आई हैड मिंट चॉको चिप आइसक्रीम. आई रियली लाइक मिंट एंड चॉकलेट का कॉम्बो बिकॉज लिंट नहीं कौन सी कंपनी है वो आफ्टर एट करी कोई तो कंपनी आफ्टर एट ही आई थिंक जो स्क्वेयर्स बनाता है मिंट एंड चॉकलेट फ्लेवर के. आई हैवंट ईटन दैट चॉकलेट आई थिंक इन ईयर्स
तो आई थिंक अमेजोन पे अवेलेबल होगा एंड आई शुड ऑर्डर इट, बट आई लव इट. आई लव, जब भी फॉरेन से रिलेटिव आते थे वो लाते थे ना, आई यूज़ टू गो क्रेजी अबाउट इट. तो आई हैड अ मिंट चॉकलेट चिप आइसक्रीम. तो बेसिकली इज ग्रीन इन कलर पर उसमें ब्राउन चॉकलेट चिप्स होते हैं. टेक्निकली फॉर द चैलेंज आई शुडंट ईट द चॉकलेट चिप्स, बट चॉको चिप्स आर लाइफ. लाइक जो नेचुरल्स का चॉको बार आइसक्रीम आता है ना, वो भी मैं मम्मी को उसके चॉको चिप्स नहीं अच्छे लगते. लाइक किसको नहीं अच्छे लगते, मम्मी चॉको चिप्स रख देती है और फिर मैं खुशी खुशी वो खाती हूँ. लाइक आई लाइक द चॉकलेट चिप्स मोर देन आइसक्रीम. बट दिस वॉज माई 24 hours आई ईट ओनली ग्रीन फूड चैलेंज. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स के अगला हमें कौन सा फूड चैलेंज करना चाहिए. अ बिग थैंक यू टू कपिवा फॉर पार्टनरिंग अप विद अस फॉर दिस वीडियो. एंड इफ यू एंजॉय वॉचिंग इट, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर चैलेंजेस. एंड if you did not enjoy watching this video, don't worry, dislike button is there to express that only. To nahi maza aaya to dislike pe click kar do, but honest opinion deke jana. And I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.